सरकार के लाख दावों के बाद भी बाराबंकी के बनीकोडर की शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधर रही है। बनीकोडर की शिक्षा व्यवस्था का हाल जाना तो यहाँ कई विद्यालयों के शिक्षक नदारद मिले, वहीं मध्याह्न भोजन की व्यवस्था भी काफी खराब दिखी। सुबह करीब 11 बजे बनीकोडर शिक्षा क्षेत्र के सनोली प्राथमिक विद्यालय में घनश्याम जायसवाल तो पढ़ाते मिले, लेकिन इंचार्ज प्रधानाध्यापिका सुरीता देवी विद्यालय से गायब रहीं। इसके बाद प्राथमिक विद्यालय छदवल पर भी प्रधानाध्यापिका शमीम बानू व सहायक अध्यापक रितेश श्रीवास्तव विद्यालय से गायब रहे। विद्यालय में मौके पर मौजूद शिक्षा मित्र सरिता सिंह व पुरुषोत्तम ने बताया कि दोनों लोग सुबह आए थे लेकिन कुछ काम से बाहर गए हैं। यहाँ पर मैडम जी तो विद्यालय से गायब रही, लेकिन विद्यालय के कमरे में एक छोटा बच्चा मैडम की कुर्सी पर बैठकर बच्चों को पहाड़ा पढ़ाता हुआ मिला। यह बात अलग रही कि उसका पहाड़ा भी सही नहीं रहा। इसी प्रकार प्राथमिक विद्यालय निबुहा में बच्चों ने बताया कि प्रधानाध्यापिका रानी शुक्ला 12 बजे ही विद्यालय से घर चली गई हैं। मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने अपने को सूबेदार सिंह बताते हुए शिक्षा मित्र के रूप में विद्यालय में तैनात बताया, लेकिन उसकी वेशभूषा कुछ अलग ही कहानी कह रही थी। जिला प्रशासन द्वारा स्वच्छता मिशन के तहत भले ही करोड़ों रुपए खर्च करके शौचालय बनवाए जा रहे हो, लेकिन विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था न होने के चलते छात्र छात्राओं के साथ ही अध्यापिकाओं को भी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय रेहरिया पर अध्यापक तो मौजूद मिले, लेकिन स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ती दिखी। यहाँ पर 6 माह पूर्व शौचालय का निर्माण तो शुरू करा दिया गया, लेकिन अब तक उसका निर्माण कार्य पूरा न होने के कारण छात्र छात्राओं व अध्यापिकाओं को मजबूरन खेतों की ओर जाना पड़ता है। इससे भी खराब स्थिति प्राथमिक विद्यालय पूरे लोकई में देखने को मिल रही है, जहां पर भी बने शौचालय जर्जर पड़े हुए तथा गंदगी इतनी रही कि वहां तक जाना विद्यालय के बच्चों के लिए आसान नहीं था। बताया गया कि अध्यापकों ने कई बार जिम्मेदार लोगों से प्रधान के साथ खंड शिक्षा अधिकारी को भी अपनी समस्या से अवगत करवाया, लेकिन कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। बाराबंकी से संदीप तिवारी की रिपोर्ट।